तो हेलो गाइस, मैं आपको आज हमारे फैंसी चिकन का सेटअप दिखाने वाला हूँ। गाइस, इन सारे केजेस में हमारे 5 वैरायटी के हमारे यहाँ पे फैंसी चिकन अवेलेबल है हमारे पास। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे फाइटर है, और ये इसे पैरोट पिक फाइटर बोलते हैं, जो कि ये फीमेल है। 3 से 3.5 किलो इसका वेट है, और इसके साथ ही नॉर्मल यहाँ पे फाइटर है हमारे पास फीमेल। मेल तो उड़ूंगा, और ये देख सकते हो यहाँ पे पेयर है उनका, मेल फीमेल का ट्रायो है हमारे पास अवेलेबल ब्रीडिंग के लिए। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड केज में हमारे पास सबराइट करके जो चिकन आते हैं फैंसी, वो है हमारे पास यहाँ पे। तो आप देख सकते हो इन्हें, जो कि एक पेयर है हमारे पास मेल फीमेल का, अभी ब्रीडिंग के लिए ये रेडी होने वाला है बहुत ही जल्द। इसकी खूबसूरती आप देख सकते हो, पैटर्न वगैरह, और इनकी साइज इतनी रहती है लास्ट। तो गाइस, यहाँ पे थर्ड सेक्शन है हमारा, और इसमें है हमारे पास कुछ सिल्कीज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास 2 फीमेल, एक मेल है जो कि ब्लैक और 2 वाइट है, एक वो फीमेल है, और जो बड़ा मेल आपको दिख रहा होगा बड़े बाल वाला, वो मेल है। तो गाइस, यहाँ पे हमारा 4th सेक्शन, और इसमें हमारे पास वर्ल्ड लार्जेस्ट जिसे चिकन बोलते हैं, ब्रह्मा चिकन। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायो पेयर है, और इनके अंडे वगैरह चालू हो चुके हैं हमारे पास। तो यहाँ पे हमारा 5th सेक्शन है, इसमें है हमारे पास टर्किस। तो आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे टर्किस की हमारे पास 3 फीमेल है, एक वाइट 2 ब्लैक, और ये यहाँ पे बड़ा मेल है जो कि 12 किलो का लगभग है, और इनके अंडे वगैरह यहाँ पे चालू है हमारे पास। तो हेलो गाइज, हमने आज 5 हमारे फैंसी चिकन के सेटअप देखे। तो उनमें से पहला है हमारे पास फाइटर, जो कि हमारे पास एक मेल है और 2 फीमेल है, उसमें एक पैरोट पिक है जो कि बहुत महंगी रहती है और बहुत अच्छी रहती है। और दूसरे ही केज में हमारे पास सबराइट करके एक फैंसी चिकन है, उसका एक पेयर है, वो भी जल्द अंडे देने वाला है। और तीसरे इसमें है हमारे सिल्कीज है, जो कि एक मेल 2 फीमेल है, वो भी बहुत जल्द अंडे देंगे और शायद से दे भी रहे। और चौथे ही पार्टीशन में हमारे पास है ब्रह्मा, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट ब्रह्मा है हमारे पास, उसका ट्रायो अवेलेबल है, और उसके अंडे वगैरह हमारे पास अभी अवेलेबल है। और 5th इसमें हमारे पास टर्की, जो कि वो भी अंडे दे रहे, और उनके बच्चे भी हमारे पास है, जो कि हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे।